Hello everyone, and I would like to welcome once again in today's class. In today's lesson, we are going to start a new topic, and the name of the new topic is the rattra. So first of all, we have to understand the meaning of rattra. Rattra means, जिसको हिंदी में कहा जाता है, जो है दानी, या we can say पिंजरा. This is a small kind of equipment for catching rat. और उसको लिखने वाले उस ऑथर का नाम है सेल्मा लेगर लॉक. सेल्मा लेगर लॉक वॉज बॉर्न 20th November 1858 एंड सी वॉज डाइड 16th March 1940. She was a Swedish author and teacher. She published her first novel, Gösta's Berling Saga, at the age of 33. She was the first woman who won the Nobel Prize in the field of literature, in which she was awarded a Nobel Prize in the year of 1909. Her stories have been translated into many languages, into French and as well as Italian too. So this is the small description that I have explained you about the author and the meaning of rattra. Now we are moving to the theme of the story. Theme of the story. Essential goodness. In human being can be awakened through love and understanding. That means theme of the story में simple सा कहा गया है. That means यहाँ पे जो सेल्मा लेगोरिस वो believe भी करती है और मानती है. वो कहती है the essential goodness in human being can be awakened through love and understanding. That means यहाँ पे सेल्मा लेगोरिस वो मानती भी है और बिलीव भी करती है. वो कहती है कि जो एसेंशियल गुडनेस होता है इन ह्यूमन बीइंग में, हम उसको अवेकन कर सकते हैं, और वो तरीका होता है लव एंड अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज द थीम दैट आई हैव एक्सप्लेन हियर. नाउ वी आर मूविंग टू द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर द रैटा. द रैटा चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. जो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है पेडलर. पेडलर को हिंदी में कहा जाता है हैरी वाला, जिसको कई सारे नामों से भी जाना जाता है. वेगा बॉन या वी कैन से स्ट्रेंजर. क्योंकि पूरे इस स्टोरी में उसका नाम मेंशन नहीं है, ओके, कि कौन सा नाम उसका रियल है. लेकिन जो भी टेक्स्ट बुक में आता है वो एक फेक नेम आता है. बट ये रैटा जो कि इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, जो कि स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर को सेलिंग करने का काम करता है इन नियर बाय स्टेट एंड कंट्री साइड में. सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है ओल्ड क्राफ्टर. ओल्ड क्राफ्टर को जनरस क्राफ्टर भी कह
कहा गया। बहुत ही दरिया दिल, बहुत ही नेक वाला व्यक्ति है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति है। नाउ ही हैज नो स्ट्रेंथ सो ही लेफ्ट द जॉब ऑफ आयरन्स वर्क्स एंड ही हैज सपोर्टेड द काउ। और द थर्ड जो कैरेक्टर है, थर्ड कैरेक्टर का नाम है आयरन मास्टर। आयरन मास्टर जो कि एक ओनर है, ओनर ऑफ द मी। और अपने जो फोर्थ जो कैरेक्टर है, फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है इगला विल्ला विलमेंसन। सो वंस अगेन आई वांट टू रिपीट, ओके द फॉलोइंग स्मॉल एंड माइनर कैरेक्टर। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है पेडलर। पेडलर को हिंदी में कहा जाता है फेरी वाला, वेगाबोन या स्ट्रेंजर, ये सब के सब उसको कहा जाता है। सेकंड जो कैरेक्टर है वो है ओल्ड क्राफ्टर। ओल्ड क्राफ्टर को कहा गया जनरस क्राफ्टर भी कहा गया। बहुत ही दयादिल वाला व्यक्ति है जो हमेशा हर किसी व्यक्ति के लिए हॉस्पिटैलिटी सर्व करने के लिए रेडी होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति उसके घर में आए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं करता है। और तब जो थर्ड कैरेक्टर है वो है आयरन मास्टर। आयरन मास्टर जो कि एक ओनर है और ब्राम्स जो मिल का ओनर, बस उसका बस एक ही एम्बिशन है कि पूरे उस मार्केट में उसका प्रोमिनेंट में नाम रहे, जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको वो एक प्रेस्टिजियस में रहे। और लास्ट में जो फोर्थ कैरेक्टर है वो है टिल्ला विलियमसन, जो कि डॉटर ऑफ आयरन मास्टर की है। सो दिस इज द वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दैट आई एक्सप्लेन हियर। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज। सो बेसिकली ये स्टोरी स्टार्ट होती है पेडलर से, जो कि पेडलर एक स्मॉल ट्रैप्स ऑफ वायर को सेलिंग करने का काम करता है इन नियर बाय विलेजेस में, इन नियर बाय स्ट्रीट्स में। लेकिन जो बिजनेस ही वॉज डूइंग इट्स नॉट सो प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिसोर्ट बोथ बेगिंग एंड प्रिटी थीव्स। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि जो पेडलर जो स्मॉल ट्रैप्स ऑफ वायर को सेलिंग करने का काम करता है, लेकिन जो बिजनेस वो कर रहा था इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल था नहीं, तो उसने दोनों काम एक साथ शुरू कर दिए, बेगिंग का एंड एज वेल एज प्रिटी थीव्स का। प्रिटी थीव्स का मतलब होता है छोटी छोटी चोरियां। हम बेसिकली देखा जाए तो जो भी पेडलर होते हैं, जो भी फेरी वाला होता है, उनका उन लोगों का जो अपीयरेंस होता है बहुत ज़्यादा सोबी होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। वो फटे टूटे कपड़े पहनते हैं, उनके जो चीक्स वो श्रंकन होते हैं, उनकी आंखों में हमेशा भूख नजर आती है, और उनकी जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा मोनोटोनस होती है, वी कैन से बहुत ज्यादा दुख भरी होती है। तो एक दिन वो कहीं पे जा रहा था, ही वॉज लॉन्ड्रिंग नियर बाय द रोड एंड सडनली ही गॉट एन आइडिया, दैट मीन्स ही वॉज डीपली थिंकिंग अबाउट द पास्ट लाइफ। उसको लगने लग गया कि ये पूरी दुनिया है, वो दुनिया बल्कि एक ट्रैप के समान है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ओके, दिस इज द थॉट ही गेन इन हिज माइंड। ये सब थॉट उसके माइंड में आ रहा था, वो सोच रहा था कि ये पूरी दुनिया है वो भी एक ट्रैप के समान है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये सोचते सोचते वो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करने लगता है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया भी एक ट्रैप के समान है, बस उसका एक ही पर्पस होता है लोगों को चारा करने का। जिस तरह चूहे को पकड़ने के लिए हम कोई पिंजरा डालते हैं और पिंजरे के अंदर कोई रोटी का टुकड़ा, चीज या बटर डालते हैं, तो सिमिलर ये पूरी दुनिया भी हर ह्यूमन बींग को ट्रैप करने का काम करती है। और वो ट्रैप करने वाली चीज़ें बहुत सारी होती हैं, जैसे शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, मोह माया, ये सब की सब हर ह्यूमन बींग को ट्रैप करने का काम करती है। जो भी लोग इन चीज़ों के पीछे डाइवर्ट होते हैं वो धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली अपनी लाइफ का भी एंड कर देते हैं। तो ये सोच ही रहा था उस चीज के ऊपर, तो एक दिन वो सड़क के किनारे विद डीप थिंकिंग के साथ वो वॉन्डरिंग कर रहा था। सडनली उसकी नजर एक सड़क के किनारे ग्रे कॉटेज की झोपड़ी पे उसकी पड़ती है। तो बेचारा शाम हो चुकी थी,
और उसके घर के पास जाकर उसने दरवाजे को नोक किया। नोक करते ही वहां पे उसको बूढ़ा व्यक्ति उसको रिसीव करने के लिए आता है, और वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था? ओल्ड क्राफ्टर। मैंने आपको पहले बताया कि ओल्ड क्राफ्टर बहुत ही जनरस और हमेशा बिना कुछ जाने किसी भी व्यक्ति को अपने घर में वेलकम करता है। तो उस दिन भी उस ओल्ड क्राफ्टर ने उस पेडलर को अपने घर में वेलकम किया। उस व्यक्ति को वेलकम करने के बाद उस व्यक्ति को उसने सफर भी कराया, दोनों ने साथ में बैठकर तंबाकू और दोनों ने मेजोलिस नाम का गेम था वो दोनों बैठकर खेलने लग गए। जब तक खेलते रहे जब तक सोने नहीं जाते। खेलते खेलते अब जो ओल्ड क्राफ्टर था अचानक खड़ा हो गया, और खड़े होते ही वो सीधे खिड़की के पास गया। खिड़की के पास में जो लेदर पाउच का जो बैग था उसको नीचे गिराया। नीचे गिराने के बाद अपनी जेब में जो ट्रेन कॉर्नर बैंक नोट थे उन सभी पैसों को उसने उस लेदर पाउच की बैग में अपने हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद उन सभी पैसों को असटीस उस लेदर पाउच की बैग में उसने छोड़ दिया। ये सब के सब उस पेडलर की आंखों के सामने हो रहा था, क्योंकि पेडलर तो पहला से पैदाइशी चोर है, ऐसी चीजें उसको मौका चाहिए। तो ये सब उस पेडलर की आंखों के सामने हो रहा था। जब दोनों ही रात में मेजोरिस गेम खेलने के बाद सो जाते हैं, जब अर्ली इन द मॉर्निंग जब सवेरा होता है तो दोनों ही व्यक्ति एक ही समय पर घर छोड़कर जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति अपने गाय का दूध निकालने के लिए चले जाता है। वो सोचता है जब घर का मालिक यहाँ पे नहीं रहा तो मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि मैं भी एक गेस्ट हूँ। तो दोनों ही ओल्ड क्राफ्टर एंड पेडलर दोनों ही जाने रेडी वाले थे। ओल्ड क्राफ्टर ने अपने घर के घर का ताला लगाकर गाय का दूध निकाल चले जाता है, जबकि वो पेडलर भी सोचता चलो ठीक है नमस्कार गुड बाय करके वहां से जाना शुरू कर देता है। लेकिन आधे घंटे के बाद जो पेडलर था वापस उसी डोर के पास में खाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात उस पेडलर को उस ओल्ड क्राफ्टर को नहीं पता है, तो उसने डोर को ओपन करने की कोशिश नहीं की बल्कि उसमें खिड़की के पास गया और खिड़की की जो विंडो फ्रेम थी विंडो पेन थी उसको स्मैश करके उस खिड़की के पेन को तोड़ देता है, और उस लेदर पॉन्च से जितने भी जो पैसे थे उन सभी पैसों को निकालने के बाद अपने जेब में डालने के बाद वो सोचता है उस बैग को असटीस उसी बैग पे उसी रिस्पेक्टिव जगह पर छोड़कर चले जाता है। चोरी करने के बाद हर व्यक्ति अपने आप में बहुत क्लेवर समझता है, वो सोचता है कि हमने क्लेवरस और क्लेवर हूं मुझसे कोई भी व्यक्ति चेस नहीं कर सकता। इसी स्मार्टनेस के चक्कर में वो सोचता है चलो ठीक है यदि मैं पब्लिक हाईवे पे जाऊंगा तो मुझे कोई भी पकड़ लेगा, इसीलिए अपने आप को स्मार्ट शो ऑफ करने के लिए उसने पब्लिक हाईवे पे फॉलो ना करते हुए सीधे हाईवे की तरफ से टुवर्ड्स द जंगल की तरफ मोड़ लेता है। अर्लिंदा ओके वन ऑफ फ्यू आवर्स में उसको कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है क्योंकि जो जंगल था बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। लेकिन लेटर इन द डे लेकिन एक वन आवर थ्री आवर के बाद जो कंफ्यूजिंग द फॉरेस्ट था बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उसको उस बेटलर को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था बाहर निकलने के लिए। ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और शाम होने के बाद जंगल में स्टे होना बहुत ही डेंजरस चीज़ें बन जाती है हर ह्यूमन बींग के लिए। तो जब पेडलर को जब जंगल में पहुंचने के बाद कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो फाइनली उसी जंगल में अनकॉन्शियस होकर वो गिर जाता बेहोश हो जाता। जब वो बेहोश था सडनली तब उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ें आ रही कहाँ थी? आयरन मिल से, और वो किसकी आयरन मिल थी? रामजो की। तो जब वो बेहोश था सडनली उसके कानों पर एक वॉइस आती है कुछ हम्मर के ठोकने की आवाज़, तो उन वॉइस को सुनकर उस पेडलर को रियलाइज होता है कि मेरे नियर बाय में कुछ न कुछ आयरन वर्क्स है या तो कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। यदि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करूंगा ड्रैग गैदर करूंगा और वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा तो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। इसी इंटेंशन की वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा ड्रैग करते हुए घिसटता हुआ सीधे जाता है वो उस आयरन मिल के पास में। तो उस पेडलर ने उस आयरन मिल के डोर को ओपन करने के बाद वहाँ के जो ब्लैक स्मिथ थे उसका जो असिस्टेंट हेल्पर था उन सभी लोगों से उसने बाय शेकिंग हैंड उसको वहाँ पे स्टे होने के लिए परमिशन मांग लिया। लेकिन ज़्यादा नर्वसनेस की वजह से जो आयरन मिल का जो ब्लैक स्मिथ था और उसका जो असिस्टेंट था उसने ज़्यादा उसको इग्नोर
जबकि उन लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। उन सभी लोगों को क्या लगा कि ये व्यक्ति हो सकता कि वेगाबोन हो जो अपने आप को वार्म अप करने के लिए यहाँ पे आया हो। तो बेटा उस समय की जो नाइट थी वो थी 23rd of December, दैट मीन्स बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी और वो मंथ ऑफ दिसंबर। तो उस पेडलर ने भी अपने आप को वार्म अप करने के लिए उस आयरन फॉर्ज में आकर स्टे हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नोशेस की वजह से वो आयरन मास्टर के जो जितने भी एम्प्लॉयज थे वो सब के सब उस चीज़ को नोटिस नहीं कर सकते हैं। उसी शाम को आयरन मास्टर जो कि रामजो का जो ओनर था वो अपने उस फैक्ट्री में या अपने उस मिल में नाइटली राउंड के लिए आता है। जैसे ही वो आता है उसको थोड़ी सी पहचानने में थोड़ी सी या रिकॉग्नाइज में थोड़ी सी उसको मिस्टेक हो जाती है। तो उसको जैसे उसके पास आता है उसको अपना अक्विटेंस समझकर उसको अपने घर में वेलकम करने की कोशिश करता है, उसे बातें करने की कोशिश करता है। तो उसको कहता है, उसको कहता है कि चलो आप मेरे घर ना आते हैं बल्कि मेरे फैक्ट्री में मुझसे मिलने के लिए आ गए। उसके बारे में भला बुरा भी कहता है कि आपको उस आर्मी के रेजिमेंट से आपको रिटायर नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ ये मिस्टेक आपकी वजह से ही हुई है। तो उसको अपने बारे में बताता है कि मेरी जो वाइफ है एलिजाबेथ वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे जो जितने भी जो बड़े लड़के हैं वो सब के सब अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, मैं और मेरी बेटी इटला विलियम्स हम दोनों ही अपने घर में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। इतना होने के बाद उस आयरन मास्टर ने उस पेडलर को अपने घर में वेलकम करने की कोशिश भी किया, उसको रिक्वेस्ट भी किया कि आप हमारे साथ घर पर चलिए जिससे कि कुछ दिन तक हमारे साथ क्रिसमस ईव का सेलिब्रेट कर सके। लेकिन उस पेडलर ने उसको डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया, उसको डिनाय कर दिया कि भाई मैं आपके साथ नहीं आना चाहता क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ, नहीं आपने कभी उससे पहले कभी आपसे मिला हूँ। इसीलिए उस पेडलर ने डायरेक्टली उसके ऑनर को मना कर दिया कि माफ कर देना मैं आपके साथ नहीं आ सकता। लेकिन जब आयरन मास्टर अपने घर जाता है, घर जाने के बाद ये सब की सब बातें अपनी बड़ी बेटी इडला विलियम्सन को शेयर करता है। इडला विलियम्सन जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं प्रिटी नहीं है, लेकिन उसका जो नेचर है उसका जो टेंडेंसी बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये बातों को सुनकर इडला विलियम्सन उस पेडलर को परस्यू करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए उसके आयरन मिल में अपने नौकर के साथ आती है। जैसे ही वो आती है तो उस पेडलर के पास आती है, क्योंकि जो पेडलर जो पैदासी चोर है वो अपनी एक आंख को ओपन करके सो रहा है क्योंकि उसके जेब में पैसे हैं। जैसे ही इडला विलियम्सन उसके पास पहुंचती है तो उस पेडलर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो उस चीज़ को देखकर उस इडला विलियम्सन को लगता है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली कोई चोरी करके भागा हो या तो कोई क्रिमिनल हो सकता है, तभी तो इतना ज़्यादा डरा हुआ है। इतना होने के बाद उस इडला विलियम्सन ने उस पेडलर से रिक्वेस्ट करती कि आप हमारे साथ कुछ दिन तक ले हमारे घर चलिए। पहले 1 or 2 times उस पेडलर ने उसको डिनाई किया, लेकिन जब उस लड़की ने उसे कहा कैप्टन तो उसके बिहेवियर में उसको थोड़ा सा पोलाइटनेस शो ऑफ हुआ। तो बाद में उसकी बातों को एक्सेप्ट करने के बाद उस पेडलर ने उस इडला विलियम्सन के घर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही उस आयरन मास्टर के घर पर जाता है तो उसके जो सर्वेंट था उसके जो वॉलेट ने उसको नहलाया, उसके बाल काटे, उसको वेल ड्रेसअप करने के बाद एक बड़ा सा लॉन्ग ब्यूटीफुल जो कोट था उसका ऑनर का उसको पहना देते हैं। और अर्ली द मॉर्निंग में जब दोनों ही आयरन मास्टर और पेडलर दम डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट पर आते हैं तो उस पेडलर को उस आयरन मास्टर उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये वो व्यक्ति नहीं जिसको मैं अपना दोस्त मानता हूँ, ये बल्कि कोई दूसरा ही व्यक्ति है, ये तो कोई फ्रॉड है। तो उसी समय उसको भला बुरा कहता है कि भाई तू जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से यहाँ से चले जा वरना आपके लिए बुरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पेडलर भी चुप बैठने वाला नहीं था, उसने भी उससे कहा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब आपकी बातों को मैंने मना कर दिया तो फिर आपने अपने अपनी खुद की बेटियों को क्यों भेजा मुझे लेने के लिए, बस मैं वहां पे स्टे होने के लिए वहां पे रुकने के लिए मैंने आपसे परमिशन मांगा था। वो जैसे ही अपने पुराने कपड़े पहनकर जाने ही वाला था कि सामने वाले डोर से उसकी बेटी इडला विलियम्सन आती है। तो वो अपने फादर से आर्ग्यूमेंट करती है कि पापा आपने घर में बुलाए मेहमान साहब ऐसा ट्रीट करते हो, हमको पता है कि ये व्यक्ति जो भी हो लेकिन हमने उस अपने घर में एक वेलकम किया है अपने क्रिसमस ईव के लिए
सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जब फाइनली इडला विलियम्स अपने फादर से आर्ग्यूमेंट करती है उस पेडलर के लिए, रिक्वेस्ट करती है कि जो पेडलर है वो अपने घर में क्रिसमस ईव तक यहीं पे रहेगा, तो जब दो बाप बेटी के बीच में दो आर्ग्यूमेंट होता है तो फाइनली इडला विलियम्स की बातों को वो एक्सेप्ट करता है, चलो ठीक है बेटा आपकी इच्छा है। इतना होने के बाद उस पेडलर को वापस चढ़ने के लिए अप्रूवल मिल जाता है। तो पेडलर अर्ली द मॉर्निंग सुबह से लगा शाम तक खाना खाने के बाद और रेस्ट करता था, दिन रात यही रूटीन था एक दो दिन तक। जब शाम हुई, जब क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया गया, तो उस पूरे हाउस में सभी लोगों को क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया गया, सभी लोगों को सफर के रूप में उनको दलिया और कुछ फिश पोर्ट्रेट दी गई खाने के लिए। तो रात भर सभी गेस्ट, जितने भी इन्वाइटेड गेस्ट थे, वो सभी के सभी अपने घर में आकर बहुत ज़्यादा क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट किया। जब अर्ली इन द मॉर्निंग जब सवेरा हुआ, उनके घर में जितने भी जो इन्वाइटेड गेस्ट थे वो सब के सब टायर्डनेस की वजह से सो रहे थे। आयरन मास्टर और उसकी जो लड़की थी वो चाहते किसी को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए अर्ली इन द मॉर्निंग दोनों ही बाप बेटी कहाँ चले जाते हैं, चर्च में अर्ली इन द मॉर्निंग की सर्विस, ओके मॉर्निंग सर्विस, मॉर्निंग प्रेयर को अटेंड करने के लिए इन द चर्च। वो जैसे ही वो चर्च जाते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ ऐसी सेंसेशनल न्यूज़ उनको पता चलती है कि सड़क के किनारे जो ग्रे कलर का जो ग्रे कॉटेज है वहाँ पे एक ओल्ड व्यक्ति रहता है, ओल्ड क्राफ्टर, उसके घर से चोरी हुई है। और चोरी करने वाला व्यक्ति कौन है, वो पेडलर है। तो जैसे ही ये बात पता चलती है उस आयरन मास्टर उसकी लड़की इडला विलियम्स को, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हमने बिना कुछ सोचे समझे अपने घर में उस पेडलर को वेलकम किया, हमने उसको अपने घर में अतिथि रूप में उसको रिसीव किया, बट ये चोर है। वो जैसे ही वहां से भागते भागते गाड़ी में बैठकर अराउंड अभी 10 o'clock वापस आते हैं। जैसे ही वो 10 o'clock वापस आते हैं तो सबसे पहले अपने घर पहुंचते ही अपने घर के जो नौकर्स हैं उस वॉलेट से पूछते हैं कि अपने घर में जो पेडलर आया है, जो चोर आया वो कहाँ है। तो उस के जो नौकर ने कहा कि साहब मालिक वो तो चले गया। तो उसे पूछता अपने घर में जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस जो चीज़ें हैं वो ले तो नहीं गया। तो उसने कहा मालिक तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया, बल्कि वो खाली हाथ यहाँ से गया है, लेकिन उसके बदले उसने आपकी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट छोड़कर गया है। तो नौकर ने उस लिटिल गिफ्ट को, जो गिफ्ट का जो पैकेट था उसको इडला विलियम्स के हाथ में हैंड ओवर करता है, और इडला विलियम्स उस लिटिल पैकेट को ओपन करते हैं। उस लिटिल गिफ्ट में उसमें ओल्ड रैट ट्रैप था और एक लेटर, और उसमें कंटेनिंग कुछ पैसे थे जिसने उस पैसों को चोरी करके भागा था। तो जैसे ही उस पैकेट को ओपन करती है तो उसमें स्मॉल रैट ट्रैप था, वायर था, कुछ पैसे थे और कुछ जो चोरी किए हुए पैसे थे। उन पैसों को देखकर उसने इडला विलियम्स से उस लेटर में कहा कि मिस इडला विलियम्सन, आपका जो बिहेवियर बहुत टेंडरनेस है, बहुत ही सॉफ्ट है, आप सिंप्लिसिटी है। मैं चाहता हूं कि जो पैसे मैंने चोरी किए हैं उस ओल्ड क्राफ्टर के घर से आप उनको वापस रिटर्न कर देना, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस ऑस्पिशियस डे के दिन भी मैं अपने आप को चोर बना रहा हूं। जब फाइनली जब आप लोगों को पता चलेगी कि मैं चोर हूं तो आप मुझे कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसे भी अपने घर में वेलकम नहीं करोगे। और आज और अभी से मैं अपने जो जिंदगी जीने का जो तरीका है उस चीज को मैं अपने आप को एक राइट ट्रैक पे जीना चाहता हूं। इतना क्योंकि आपने मुझे अपना कैप्टन माना है, और कैप्टन की ड्यूटी बनती है कि किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं दे। इसी इंटेंशन की वजह से अपने आज और अभी से अपनी जिंदगी को जीने का जो मकसद है उसको छोड़कर, एक बुराई के रास्ते को छोड़कर एक राइट रास्ते पर चलना चाहता हूं। आपका कैप्टन। इतना बोलने के बाद ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी।